तो भाई आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रशांत नील सर के काम का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसीलिए KGF और सलार से जुड़ी हुई हर डिटेल से, हर अपडेट से मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो भाई सीन ये है कि सलार का पार्ट 1 देखकर फैंस खुश हो गए थे और सलार सक्सेस भी हो गई है। तो पृथ्वीराज सुकुमारन, जिन्होंने वरदराज मनार का रोल प्ले किया था, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा है कि प्रशांत नील ने ऑलरेडी सलार 2 यानी कि शौर्यांगा पर्वम के कुछ सीन्स को शूट कर रखा है और सलार पार्ट 2 की शूटिंग भी हमें जल्दी शुरू होते हुए दिख जाएगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सलार 2 मोस्ट प्रोबेबली हमें 2025 के सेकंड हाफ में दिख जाएगी और ये बात उन्होंने बहुत श्योरली कही है। अब देखो भाई, ये जो न्यूज पृथ्वीराज जी ने हमें दी है ये एक्साइटेड तो है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि शूटिंग कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, भाई बहुत सा काम होता है। तो 2025 में पॉसिबिलिटी है लेकिन पक्का नहीं है। लेकिन भाई सलार 2 से रिलेटेड एक और न्यूज सामने आई है और ये न्यूज हमें जगपति बाबू ने दी है, जिन्होंने खानसार के कर्ता यानी कि राजा मनार का रोल प्ले किया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि सलार 2 में हमें देवा और राजा मनार के बीच में एक बहुत तगड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा। और भाई ये न्यूज तो सच हो सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो एक्शन सीक्वेंस है ये हमें कब और कहां देखने को मिलेगा। तो देखो भाई, करंट टाइमलाइन से 7 साल पहले जो सीज फायर वाली फाइट चल रही थी वहीं पे पार्ट 1 को खत्म कर दिया गया है, जहां पे राजा मनार को भी पता चल चुका है कि देवा धारा का बेटा है और कहीं ना कहीं ये बात देवा भी जानता है, लेकिन वो वरदा का साथ दे रहा है क्योंकि वरदा ने 20 साल पहले देवा और उसकी माँ की हेल्प की थी। तो भाई ये जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, इससे ये क्लियर है कि देवा अपने बाप का बदला लेगा राजा मनार से। अब इस एक्शन सीक्वेंस के मूवी में होने के 2 केस बनते हैं। पहला ये कि जो सीज फायर वाली फाइनल फाइट चल रही है, देवा उसी के दौरान ही राजा मनार से फाइट करे, क्योंकि पार्ट 2 का नाम ही है शौर्यांगा पर्वम, जिसका मतलब साफ है कि सलार 2 में शौर्यांगा ही जीतेंगे और देवा को कर्ता बनाया जाएगा, लेकिन देवा वरदा को कर्ता बना देगा अपना बदला लेकर। कहने का मतलब ये है कि देवा अपने बाप का बदला लेने के लिए राजा मनार और वरदा के भाई को मार देगा और फिर वरदा को खानसार का कर्ता बना दिया जाएगा, साथ में देवा वरदा को वो सील भी बना कर देगा और भाई इसीलिए देवा और वरदा के बीच में दुश्मनी हो गई होगी। और दूसरा केस ये आता है कि क्योंकि सीज फायर वाली फाइट करंट टाइमलाइन से 7 साल पहले हो रही है, तो क्या पता वरदा वो फाइट जीत कर कर्ता बन जाए और देवा किसी वजह से वरदा के भाई को मार डाले, मतलब गलती से, और इसीलिए देवा और उसकी माँ वरदा और खानसार के लोगों से छुप रहे हैं। और अब क्योंकि करंट टाइमलाइन में वरदा और देवा की फाइट हो रही है क्योंकि देवा ने उस सील को रोक दिया है, तो करंट टाइमलाइन में हमें राजा मनार और देवा का वो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिले, क्योंकि सीज फायर वाली फाइट के दौरान तो राजा मनार भी वरदा को कर्ता बनाना चाहता था। टोटल मिलाकर बात यह है कि भाई सलार 2 के लिए सलार 1 की सीज फायर वाली फाइनल फाइट में क्या हुआ ये पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी जो भी है, ये जो न्यूज हमें मिली है कि राजा मनार और देवा के बीच में एक फाइट होने वाली है, भाई ये बहुत तगड़ी न्यूज है, क्योंकि देवा तो पागल है ही, लेकिन राजा मनार भी बहुत पावरफुल है और लोग राजा मनार से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो करता है, बल्कि इसलिए डरते हैं क्योंकि खानसार का जितना भी खौफ राजा मनार ने फैलाया है भाई, उतना किसी ने नहीं फैलाया। राजा मनार बिल्कुल आसानी से तो नहीं मरने वाला। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज कितनी एक्साइटिंग लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही।